देखो ये बिग डैडी बस हमारा नहीं, ये बस आप लोगों का भी है। इसमें सब लोगों का सहयोग चाहिए, सब लोगों का प्यार चाहिए और इसको इस तरह बनाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये भागलपुर का एक आइकॉन बने, मतलब भागलपुर का एक अलग से। आज एक बुकिंग आया, बेंगलोर से बुकिंग आया है, वहां से बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बुकिंग हुआ है 12 बजे। बाहर बाहर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं बस बिग डैडी में केक काटने के लिए। ऑन द वे है, अभी आने वाले हैं वो लोग बेंगलोर से, बस यहाँ पे केक काटने के लिए बिग डैडी में आ रहे हैं। तो ऐसा है, बस भागलपुर को और लेवल तक बढ़ाना है और जितने भी लड़के हैं सबसे बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी भी लड़कियां हैं सबको यहाँ पे इज्जत मिले, सबको सम्मान मिले। उससे क्या है, क्या लड़कियां फ्रीली यहाँ पे घूम सकती है, टहल सकती है। और जो लड़कियों को हम देखें, बहुत सारे लड़के कोई क्रॉप टॉप हो गया है, कोई कुछ भी कपड़ा पहनती है उसको गंदी नजर से देखते हैं, वो चीज नहीं करना है हम लोगों को, बिल्कुल नहीं करना है। उसको सपोर्ट करना है, उसको आगे बढ़ाना है। दिल्ली में किस तरह घूमते हैं सब लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह हम लोग को। और किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना, एक दूसरे को बोल के क्या फायदा है, कुछ नहीं है। बस जो है रिलेशन वो अपने तक रखना है, उसको एक दूसरे का शेयर नहीं करना है। भागलपुर को बहुत आगे बढ़ाना है और इसमें आप सबों का सहयोग चाहिए। और कहीं भी किसी को मेरा जरूरत पड़े, चाहे कोई भी फील्ड में हो, आजकल आप लोग न्यूज़पेपर देख रहे होंगे, उसमें विधायक पुत्र सबसे पहले मेरा ही नाम आ रहा है, आशीष कुमार मंडल, ठीक है। और वैसा नहीं है, बस उसी के लिए कहीं भी मेरा जरूरत पड़े वहां पे हम आप लोग के लिए हैं। चाहे कोई भी हो, बस एक बार यहाँ पे आकर के फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, सब लोग आप लोग शेयर कीजिए और सब उनको वोट दिलाइए। आप लोग विधायक जी का नाम सुने होंगे, गोपाल मंडल जी, वो किसी से डरते नहीं है। उसी तरह मेरा भी नाम सुनिए, आशीष कुमार मंडल, हम भी किसी से डरते नहीं है। चलिए एंजॉय कीजिए, बहुत टाइम ले लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मैरी क्रिसमस। थैंक यू, एक बार तालियां जोड़। आशीष मंडल का वारंटी है, इसमें केस में चार अभी तो गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है, चारों पे वारंट भी लिया गया है। कल ये सूचना मिली थी कि इसमें से एक अभियुक्त ने यहाँ अपने होटल में मौजूद तो नीचे रखे ना, थानेदार को बुला के हम लोगों ने सुबह में पूछताछ भी की है, तो थाना का कहना था कि वो सूचना नहीं मिल पाई है, लेकिन इसमें त्वरित गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिया गया है और ASP के नेतृत्व में टीम का गठन भी किया गया है, जल्दी इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। पुलिसकर्मी भी सर उसमें देखे जा रहे हैं वीडियो में, साथ में उनके वीडियो की जाँच अभी नहीं हो पाई है। वीडियो की जाँच करके इसमें अगर कोई दोषी होगा तो उस पर भी कार्रवाई तय की जाएगी।